हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर इज द स्टार। एंड आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप स्नैपशीड एप्लीकेशन के अंदर आप अपने हेयर्स के कलर्स कैसे चेंज कर सकते हैं। आप जितने चाहें अनलिमिटेड कलर्स चेंज कर सकते हैं। सो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए लेट्स डू इट। तो हम डायरेक्ट हो जाएंगे स्नैपशीड एप्लीकेशन के अंदर ओपन एंड आप प्लस के आइकन पर क्लिक करके अपनी फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे जिसका आपको हेयर का कलर चेंज करना है। सो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है, मैं इसके हेयर के कलर चेंज करूँगा। सो आपको सिंपली पेंसिल के आइकन पर जाना होगा। उसके बाद आपको सबसे नीचे स्क्रोल करके जाना होगा, वहाँ पर आपको मिलेगा डबल एक्सपोजर ऑप्शन। उस पर जाने के बाद आप प्लस के आइकन पर जाएंगे। आपको कोई भी कलर बना लेना है स्नैपशीड एप्लीकेशन के अंदर। नहीं बना पाते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर लेना। सो मैंने रेड कलर सेलेक्ट कर लिया है एंड सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे ये ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको ये सारे ऑप्शन रुआ से लेकर डिफ़ॉल्ट लाइट एंड डार्कन एड सब्ट्रैक्ट इन सब को छोड़ के ओवरले को आपको सेलेक्ट करना है, सबसे लास्ट वाला ऑप्शन। एंड सेलेक्ट करने के बाद ऊपर आपको एक अंडो का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करके व्यू एडिट्स पर जाना है। एंड इसके बाद डबल एक्सपोजर पर जाकर ब्रश का आइकन बना आएगा, उस पर क्लिक कर देना आपको। एंड क्लिक करने के बाद आपको कर लेना है जूम। एंड जूम करने के बाद नीचे दो एरो बने होंगे, एरो को माइनस डायरेक्शन में आपको चला देना है। 75 से लेकर 50 तक आपको रख लेना है, 50 तक नॉर्मल रहता है। तो आप 50 रख कर आप अपने हेयर्स पर अप्लाई कीजिए। तो आप देख सकते हैं मेरे हेयर्स में कलर आ रहे हैं। तो मैं सीधे सिंपली इसको अप्लाई करके आपको दिखा देता हूँ कि कलर कैसे आता है। आप देख सकते हैं कितना नॉर्मली अच्छा कलर आ रहा है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। मैं आपको और भी सारे कलर अप्लाई करके दिखाऊंगा। सो अगर आपसे ज़्यादा चल जाता है तो आप एरो को माइनस कर दीजिए बिल्कुल ज़ीरो पे, तो वो इरेजर का काम करता है। एंड इसके बाद आप देख सकते हैं मेरे हेयर्स में कलर अप्लाई हो चुका है। तो आप जहाँ जहाँ भी अप्लाई करना चाहते हैं आपकी मर्ज़ी, जहाँ भी कर सकते हैं, फुल हेयर्स में भी कर सकते हैं एंड हाफ हेयर में भी कर सकते हैं। सो मैं जहाँ जहाँ अच्छा लग रहा है वहाँ वहाँ कर देता हूँ। सो मैंने इतना कर दिया है, इरेज कर लेता हूँ यहाँ से। तो आप देख सकते हैं मेरे हेयर्स रेड हो गए हैं। सो अब मैं कलर करने वाला हूँ दूसरा। सो सबसे पहले मैं इसको कट कर दूँगा, इसको सेव नहीं करूँगा, वापस से डिलीट कर देता हूँ जो इफेक्ट मैंने डाला। तो फिर से मैं बैक जाता हूँ। बैक जाने के बाद वहीं से पेंसिल वाले आइकन पर आपको क्लिक करना है एंड स्क्रोल डाउन करके डबल एक्सपोजर पर जाकर प्लस के आइकन पर ब्लू कलर में सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड वही वाला ऑप्शन ओवरले सेलेक्ट करना है। एंड और अगर ज़्यादा डार्क हो जाए तो आपको उसकी ओपेसिटी कम कर देनी है, जो ड्रॉप का आइकन बना होता है उस पर जाकर ओपेसिटी कम कर देना है। तो फिर से मैं व्यू एडिट्स एंड डबल एक्सपोजर पर जाकर ब्रश करूँगा एंड ब्रश करने के बाद अगर ज़ीरो है तो 50 पे कर लीजिए, 100 है तब भी 50 पे कर लीजिए, आपको चलाना 50 पर ही। तो मैंने 50 पर करने के बाद आप देख सकते हैं मैं चला रहा हूं, तो आप एकदम अच्छा कलर आ रहा है, ब्लू एकदम प्रोफेशनल कलर आ रहा है, मॉडल वाला। सो आप इसको अच्छी तरह से अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसके बाद नेक्स्ट कलर भी मैं आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ, ग्रीन कलर। गाइस आपको जितने भी कलर्स के कलर्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वैसे तो ये काफ़ी इजी होता है आप पिक्सार्ट या पिक्सल लैब से ओपन कर आप सेव कर सकते हैं। सो मैंने ये कर दिया है, इसको भी मैं कर देता हूँ डिलीट वापस से। एंड मैं आपको ग्रीन कलर और अप्लाई करके दिखा देता हूँ। सो वापस से वही प्रोसेस करना है, सिंपली पेंसिल के आइकन पर जाकर सारा सेम प्रोसेस है। सॉरी, मैं येलो कलर अप्लाई करके दिखा देता हूँ गोल्डन, एंड ग्रीन भी कर सकता हूँ आप जो भी कलर अप्लाई करना चाहते हैं इसी प्रोसेस से होगा। सो मैं गोल्डन और करके दिखा देता हूँ आपको, ताकि आप गोल्डन ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है वालों का, इसलिए मैं गोल्डन भी अप्लाई करके दिखा देता हूँ आपको। वही प्रोसेस से आपको चलाना है। सो मैंने 50 पर कर लिया एंड आप देख सकते हैं मेरे हेयर्स में गोल्डन ग्लो आ रहा है। एकदम न्यू ट्रिक है स्नैपशीड की। सो आप देख सकते हैं मेरे हेयर्स एकदम गोल्डन हो रहे हैं, कितना अच्छा लुक आ रहा है, एकदम प्रोफेशनल मॉडल वाला। सो आप जो भी कलर अप्लाई करना चाहते हैं आप सिंपली एक कलर सेव कीजिए एंड उस कलर को उसी प्रोसेस से अप्लाई कर लीजिए। सो वीडियो कैसी लगी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।